तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एल्कोहल फिनाइल ईथर की दोस्तों जो सीरीज चल रही थी उस पर मैं आपको आज ईथर के भौतिक और रासायनिक गुणों को कंप्लीट करवाने वाला हूं, क्योंकि मैं डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि बता चुका हूं, जिस पर मैंने आपको समझाया था कि आपको चित्र बना करके किस प्रकार से करना है। इसके पहले मैं यदि आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, यदि आपको किसी भी सवाल में या भौतिक विज्ञान का हो या फिर रासायनिक विज्ञान का या मैथ का हो प्रॉब्लम जा रही है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है डाउटनेट नामक ऐप की, उसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। उस पर जो भी सवाल हो उसकी फोटो खींचकर क्रॉप करके अच्छे से उसमें सेंड करेंगे, तो सेंड करते ही आपका जो भी सोल्यूशन होगा सामने आ जाएगा। या फिर आप 8400400 इस नंबर पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी फोटो को खींच कर क्रॉप करके, या इस नंबर पर भेजते ही आपको 10 सेकंड में अपना आंसर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं अपने ईथर के, जो एल्कोहल फिनाइल ईथर में मैं ईथर को करा रहा था, एल्कोहल और फिनाइल को कम्प्लीट कर चुका था, तो इसके देखते हैं भौतिक गुण। तो जो आपका फर्स्ट भौतिक गुण है वो क्या होता है दोस्तों, जब भी आप ईथर को देखते हैं तो यह एक रंगहीन होता है, इसमें कोई रंग दिखाई नहीं देता। इसके बाद ये ज्वलनशील पदार्थ है। कैसा पदार्थ है दोस्तों, जब इसे आप जलाते हैं या वायु में रंग ले जाते हैं तो ये ज्वलनशील पदार्थ होता है और इसमें कोई रंग नहीं होता, इसलिए क्या होता है रंगहीन होता है। यदि इसे आप सूंघते हैं तो ये मीठी गंध वाला होता है। कैसा होता है दोस्तों, मीठी गंध वाला होता है। तो आप कह देंगे ये रंगहीन और मीठी गंध वाला, आप लिखते जाइए यदि लिखना चाहते हैं। मैं यहाँ पर ओनली समझा दूंगा क्योंकि भौतिक गुण, फिर इसके बाद रासायनिक गुण हम करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, यह रंगहीन मीठी गंध वाला ज्वलनशील द्रव है। यह आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि यह द्रव टाइप में होता है। इसके बाद सेकंड जो होगी आपकी वह यह होगी कि ये जो जल में है, जब हम इसे जल में डाल देते हैं तो ये पूरी तरह से घुल जाता है। तो इसका दूसरा भौतिक गुण होगा, ये जल में पूरी तरह से विलेय है, घुलनशील है। इसके बाद तीसरे पॉइंट पर आते हैं, तो तीसरा पॉइंट इसका दोस्तों क्या होगा, आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो इसे नोट कर सकते हैं। इसका जो क्वथनांक होता है वह 36.5 होता है। कितना होता है दोस्तों, 36.5 होता है। इसके बाद हम इसकी करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाएँ। क्या करने वाले हैं दोस्तों, रासायनिक अभिक्रियाएँ। तो दोस्तों आज की जो आपकी पहली रिएक्शन है रासायनिक गुण में, ईथर की रासायनिक गुण आप देख रहे हैं, ऐसी रिएक्शन करवा रहा हूँ जो पेपर में पूछी जा सकती हैं, बाकी फालतू की रिएक्शन मैं यहाँ पे नहीं करवाने वाला। तो पहली है फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, यानी कि जब फाइव होता है तो पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, पेंटा, जब तीन होता है तो इसी तरह ट्राई, और दो होता है तो डाई, दो होता है तो एक होता है तो मोनो, दो होता है तो डाई, तीन होता है तो ट्राई, चार होता है तो टेट्रा, और इसके बाद फाइव होता है तो पेंटा, फाइव होता है तो क्या होता है दोस्तों, पेंटा। तो यहाँ पर आप ये कब यूज होते हैं, जब हाइलोजन परिवार के तत्व यूज होते हैं। यहाँ पर फास्ट फाइव दिया गया है तो इसे आप पेंटा क्लोराइड बोलेंगे, और ये पी आपका होता है फास्फोरस, इसलिए इसका नाम हो जाएगा फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। जब भी आप फास्फोरस पेंटा क्लोराइड से किसी भी से कोई भी रिएक्शन करवाते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, तो वहाँ पर आपका फास्फोरिल क्लोराइड, क्या दोस्तों, फास्फोरिल क्लोराइड POCl3, ये क्या है दोस्तों, फास्फोरिल क्लोराइड, ये क्या है दोस्तों, फास्फोरिल क्लोराइड जरूर से जरूर बनता है। इसे आप नोट कर लीजिए, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एक ट्रिक समझ लीजिए आप। फास्फोरिल क्लोराइड जब भी आप PCl5 की रिएक्शन करवाएंगे तो POCl3 जरूर बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो रिएक्शन है वो है C2H5O NC2H5, ये हमारा होता है ईथर। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हमें PCl5 से रिएक्शन करवानी है, तो मैं इसे लिख दूंगा PCl3, और एक जो Cl होगा इसको इधर लिख दूंगा, और एक जो Cl होगा उसको ऊपर लिख दूंगा। ऐसा मैं क्यों लिखूंगा वो अभी आपके समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से ये Cl हो गया और यहाँ से ये Cl हो गया, और इसके बाद मैं इसकी क्या करवा दूंगा, रिएक्शन करवा दूंगा। क्या करवा दूंगा दोस्तों, रिएक्शन करवा दूंगा। तो अब यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, ये C2H5 और ये Cl, तो यहाँ से एथिल क्लोराइड बन सकता है। इसके बाद ये वाला जो C2H5 है इस Cl के साथ मिलकर ये भी एक एथिल क्लोराइड बन सकता है। तो आप क्यों ना यहाँ पर 2 का मल्टीपल करें और C2H5 और ये Cl लगाएं, तो ये हमारा क्या बन गया, एथिल क्लोराइड। परंतु यहाँ पर हमारे दो Cl थे, दो एथिल थे, तो हमने यहाँ पे 2 का मल्टीपल करवा दिया। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब भी आप अभी PCl5 से रिएक्शन करवाएंगे तो वहाँ पर POCl3 अवश्य बनेगा। तो यहाँ
से आपको ये पी और ये ओ और ये सी एल थ्री, ये बन जाएगा पी ओ सी एल थ्री। इसका नाम आप जानते हैं फास्फोरिल क्लोराइड, और इसका आप जानते हैं एथिल क्लोराइड, और इसका आप जानते हुए डाई एथिल ईथर, या फिर आप ईथर भी से कह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी ये रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए इसे आप कर लीजिएगा। जैसे आपके एग्जाम पे आती है तो आपको इसकी थ्योरी क्या लिखनी है, जब हम ईथर की अभिक्रिया पी सी एल फाइव से करवाते हैं या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करवाते हैं तो एथिल क्लोराइड प्राप्त हो जाता है और ये रिएक्शन कर देंगे, आपको पूरे मार्क वहाँ पे दे दिए जाएंगे। तो हम हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन करवाएंगे, तो इसकी दो रिएक्शनें होती हैं, एक ठंडी अवस्था में होती है और एक गर्म अवस्था में होती है। तो पहले हम देख लेते हैं ठंडी अवस्था वाली रिएक्शन। तो जब हम ठंडी अवस्था में रिएक्शन करते हैं तो हमें कैसे करना है ईथर के साथ, तो यहाँ पर मैं उसी प्रकार ईथर का फार्मूला लिख लेता हूँ। फिर हमको एच आई के साथ रिएक्शन करवाना है तो यहाँ पर मैं एच आई ले लेता हूँ। अब यहाँ से दोस्तों आप क्या देख रहे हैं, ये वाला जो एच है इस ओ के साथ कनेक्ट होकर ओ एच बना लेगा, तो ये क्या हो जाएगा सी टू एच फाइव और ये OH, फिर लगाएंगे तुरंत प्लस। इसके बाद ये जो C2H5 है वो I के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा C2H5 इंटू में I। तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा एथिल एल्कोहल और ये हो जाएगा एथिल आयोडाइड। तो क्योंकि ये I होता है आयोडाइड और ये एथिल, तो ये हो जाएगा एथिल आयोडाइड। मान लीजिए रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, ये जो आपका क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन में यहीं पर समाप्त कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर बैलेंस कर रहे थे दो C2H5 थे, तो वहाँ भी जो दो C2H5 का होना अनिवार्य है, जैसे यहाँ पर C2H5 और यहाँ पर C2H5, तो एक एक संख्याएं गिन ली जाती हैं। जैसे यहाँ पर H5 है तो यहाँ पर H5 है, 10H हो गए और एक 11H, तो इधर भी आप गिन लेंगे कितने H हो गए, तो यहाँ पर गिनेंगे तो 5, 5, 10, 11H, यानी H बैलेंस है। इसके बाद यहाँ पर C गिन लेंगे तो C कितने हैं 4, तो यहाँ भी C आपके पास कितने हैं 4। इसके बाद आपकी रहेगी संख्या I की, तो आप I देख लेंगे तो एक आई इधर एक आई इधर, O है तो एक O इधर होना चाहिए एक O इधर, तो इसका मतलब हमारी रिएक्शन बैलेंस है। तो आपका ये जो क्वेश्चन होता है रिएक्शन कैसे बैलेंस करें, तो यहाँ से समाप्त हो गया। इसके बाद देखते हैं हम गर्म अवस्था की रिएक्शन। तो जो गर्म अवस्था की रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है दोस्तों, यहां पे मैंने वही लिख लिया है, तो ये C2H5 और इनटू में आई बना लेगा। अब इसके बाद आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर अब ये गर्म अवस्था की रिएक्शन है थोड़ा चेंज होती है, तो यहाँ पर आपने देखा कि C2H5 है, तो ये जो C2 वहाँ पे आपसे एग्जाम में बोला जाएगा कि HI की गर्म अवस्था में रिएक्शन कीजिए, HI की ठंडी अवस्था में रिएक्शन कीजिए। तो यहाँ पर आपको जब गर्म अवस्था में रिएक्शन करेंगे तो C2H5 के यहाँ पर दो अल दिए गए हैं, तो यहाँ बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 का मल्टीपल कर लिया। अब मैंने देखा कि यहाँ पर 2 आई है और इधर 1 आई है, तो इधर भी मैंने 2 का मल्टीपल कर लिया। तो अब ऐसा करने से मैंने देखा कि इधर 2H हो गए और 2 आई, तो यहाँ पर आई तो मेरे बैलेंस हो गए और ये C2H5 दोनों यहाँ पर कंप्लीट हो गए क्योंकि 2 का मल्टीपल करवा दिया। इसके बाद यहाँ से H2 और ये O, तो प्लस में हमारा H2O बाहर हो गया, तो ये भी हमारी रिएक्शन जो थी कंप्लीट हो गई। दोस्तों इनकी प्रैक्टिस करिए, बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस से ही ये रिएक्शनें आपके समझ में आने लगेंगी, इसमें कोई दोहराया नहीं है। अगली रिएक्शन है दोस्तों एसिटलीकरण। अब ये एसिटलीकरण आपको क्या दर्शा रहा है, ये एसिटलीकरण नाम से ही पता चल रहा है कि एसिटली का मतलब है एस्टिल, एसिटली का मतलब क्या है, एसिटली का मतलब है एस्टिल, क्या है दोस्तों एसिटिल, और करण का मतलब है क्लोराइड, क्या मतलब है दोस्तों क्लोराइड। तो जो एस्टीकरण रिएक्शन होगी वह एस्टिल क्लोराइड से होगी, किससे होगी दोस्तों एस्टिल क्लोराइड से होगी। यदि आपको एस्टिल क्लोराइड का फार्मूला पता है तो आप इस रिएक्शन को आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि एस्टिल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, क्योंकि अभी आप नीर तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों मैंने एक फार्मूले बेस पर एक वीडियो बनाई है, यदि उस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपको मुझे फार्मूला बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप उस वीडियो को देखकर ही इस फार्मूले को पता लगा लेंगे। तो जो एस्टिल क्लोराइड का फार्मूला होता है वह होता है CH3COCl, क्या होता है दोस्तों CH3COCl। अब इसकी आपको क्या करवानी है, रिएक्शन करवानी है। तो आप देख रहे हैं कि आपके सामने ये C2H5 है और ये CH3 है और इस C और ये डबल O है। तो आपने पढ़ा होगा, मैंने पिछली वीडियो में चर्चा की थी, यदि आप रेगुलर मेरे स्टूडेंट हैं तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ से क्या बनने वाला है। तो यहाँ से हम बना देंगे CH3 पहले ले लेंगे CH3, इसके बाद COO एस्टर ग्रुप होता है जो मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया था, इसके बाद ये C2H5। तो हमारा कंप्लीट जो यौगिक बना वो बना CH3COO C2H5, ये नहीं है दोस्तों आपका, ये
यहाँ पे मैंने लिख दिया है। फिर इसके बाद लगाएंगे प्लस। अब देखेंगे आपके पास बचा क्या, यहाँ पे C2H5 जो था एक आपका वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद यहाँ से आप एक C2H5 आपका बच रहा है, तो यहाँ पर आप बना देंगे C2H5 और ये वाला Cl, तो हो जाएगा प्लस का C2H5 Cl। क्या हो जाएगा दोस्तों, C2H5 Cl। अब आप अपने रिएक्शन को चेक कर सकते हैं, बैलेंस हुई अथवा नहीं हुई। तो आप देखेंगे C OO, तो C और O का जो रिएक्शन C और OO कंप्लीट हो गए। इसके बाद आप देखेंगे CH3 की संख्या यहाँ एक है, तो यहाँ भी एक है। अब यहाँ C2H5 की संख्या, तो C2H5 की संख्या यहाँ दो है, तो यहाँ पर भी दो है। तो इसका मतलब ये Cl की संख्या एक है, तो यहाँ पर Cl की संख्या एक है। तो इसका मतलब हमारी रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये पार्ट आपके समझ में आ गए होंगे, तो इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हुई, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।